नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रहण के समय आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप या उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, ताकि यशोदा माँ के कन्हैया के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे। चंद्र ग्रहण शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में ग्रहणों का योग बन रहा है उससे इसके परिणाम शुभ नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में ग्रहों की चाल किस तरह आम जिंदगी पर भारी रही है ये तो हम सबने देखा है। और जब 15 दिनों के भीतर दो या दो से अधिक ग्रहण लगते हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव सब पर दिखाई देता है, इसलिए ये समय बहुत ही संयम के साथ बिताने का है। चलिए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा, कार्य व्यापार में उन्नति होगी, आपके साहस और शौर्य की सराहना तो होगी ही, आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी कार्य में सफलता लाएंगे। परिवार में शांति बनाकर रखें, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण सर्वाधिक कष्टकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा में कष्ट के संकेत हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा, बाईं आंख का ध्यान रखें, हृदय रोग से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा ले तो बेहतर रहेगा, किसी संबंधी या मित्र के द्वारा कष्ट कर समाचार मिल सकता है, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा, कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें, नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावना है, अगर ऐसा हो तो सहजता से स्वीकार करें, आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता तो रहेगी लेकिन संतान संबंधी चिंता भी आपको तंग कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में और मन लगाएं ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में परेशानी ना हो। धर्म कर्म के मामलों में अरुचि बढ़ेगी, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। ये ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव कारक सिद्ध हो सकता है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, विरोधी परेशान कर सकते हैं, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस ग्रहण के प्रभाव से धनु राशि वालों की शादीशुदा जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए आपसी प्रेम बनाए रखें, विवादों से दूर रहें, यात्रा पर अधिक खर्च होगा, किसी करीबी को कष्ट का समाचार मिल सकता है। ये चंद्र ग्रहण इस राशि के जातकों को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये चंद्र ग्रहण मकर राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाला है, ऋण रोग और शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से भी बचें, कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें, स्वास्थ्य संबंधी चिंता से परेशानी बढ़ सकती है लेकिन आपके कार्यों की सराहना होगी, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि के लिए ये ग्रहण पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति दे सकता है, कहीं ना कहीं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत भी करेगा, आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ग्रहण के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी जाती है, इनमें गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास नियम है, जिनमें एक नियम है कि ग्रहण के दौरान उन्हें सुई धागे से काम नहीं करना चाहिए, इन्हें चाकू छुरी का इस्तेमाल करने से भी ग्रहण के दौरान बचना चाहिए, ऐसी मान्यता है कि इससे होने वाले बच्चे के किसी न किसी अंग पर कट का निशान आ जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर पर ग्रहण से छनकर आने वाली रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चे का शरीर कमजोर हो सकता है, बच्चा अपंग भी हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सीधा लेटकर सोना चाहिए, हो सके तो सोना अवॉइड करें और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।